सो हमारा ये टिपिकल फ्लोर प्लान दे रखा है, इसका हमें फ्रंट का एलिवेशन डिज़ाइन करना था। हमने स्केचअप में लास्ट क्लास में अपने क्या किया था, इसका फ्लोर लेआउट तैयार कर लिया था, कॉलम्स खड़े कर लिए थे, एक फ्लोर के ऊपर का हमने ये तैयार कर लिया था, इतना ही काम किया था। अब इसके आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें डिज़ाइन करना है पूरा फ्रंट का एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आप इसको देखोगे, ऊपर के टिपिकल लेआउट है, तो सारे लेआउट सेम ही रहेंगे हमारे। तो मैं इसको पहले सही रेक्टिफाई कर लेता हूँ। उसमें मैंने क्या किया, मैंने इनके बीच के सेगमेंट्स को यहाँ से हटा दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, मैंने इसको सेम लेवल पे कर दिया। सेम मैनर में इन एलिमेंट्स को, इसको इधर की तरफ की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम फ्रंट का काम कर रहे हैं। ये भी आप देखोगे तो अलग लेवल पे आ रहा है। हमने इन एलिमेंट्स को हटा दिया, फ्रंट से तो हटा ही दिया एटलीस्ट। ओके, हमने इसकी बालकनी का सेटअप किया था। और जी हाँ, पास प्रस्पेक्टिव रखेंगे, देखो ठीक है, ये इसका फ्लोर प्लान है बना हुआ जिसके रेस्पेक्ट में हमने बनाया था। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट ट्रे को भी पिन कर देता हूँ। ये देखोगे आप, ये दिखा रहा क्या है, ग्रुप है। और ये इसको सेलेक्ट करते हैं, ये भी दिखा रहा क्या है, ग्रुप है। और नीचे का फ्लोर दिखा रहा है, वो भी एक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, मुझे जैसे ये है वैसे ऊपर वाले एलिमेंट भी चाहिए होंगे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर दिया। मैंने वापस से राइट क्लिक करके इसको क्या कर दिया, कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम ही होंगे हमारे, है ना। सो मैंने कंपोनेंट बनाया ताकि मुझे वापस, ताकि मैं एक में चेंज करूँ तो बाकी में भी चेंजेस हो जाए। तो मैं ग्रुप से एक्सप्लोर कर देता हूँ और इनको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंपोनेंट में। सेम मैनर में फ्लोर को भी मैंने राइट क्लिक करके एक्सप्लोर किया और अगेन राइट क्लिक करके कंपोनेंट में क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ऊपर रखा, एक्स थ्री फ्लोर तैयार हो गए हमारे पूरे। इसी एक को मैंने कॉपी करके टॉप पे रख दिया, ये भी तैयार हो गया हमारा। अच्छा, अब नीचे ये जो स्लैब इसका लटक रहा है, आप देखोगे तो ये साइड में भी तो होना चाहिए यहाँ तक। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लाइन कमांड लिया, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया और इधर मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। तो अगर आप देखोगे, आ गया इस तरीके से, सारों में ही आ गया क्योंकि कंपोनेंट थे। अच्छा, इसका हमें एक रेफरेंस फ्रंट का एलिवेशन दे रखा था, हमें उसी टाइप के एलिवेशन में कन्वर्ट करना था जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली रेलिंग छोटी है ना, ये वाली रेलिंग का साइज़ बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका भी रेलिंग साइज़ बड़ा है, और ऊपर वाले पे तो टॉप पे रेलिंग है ही नहीं। अच्छा, सो हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इनको कर दिया मेक यूनिक, कंपोनेंट थे, मेक यूनिक कर दिया हमने। वापस से मैंने डबल क्लिक किया। अच्छा, कितना इंक्रीज्ड है उसके लिए मैं इसकी कैट फाइल खोल लेता हूँ ताकि मैं साइज़ चेक कर सकूँ। तो
मैंने ये हमारा एलिवेशन फाइल थी, मैंने इसको खोल लिया। तो आप देखोगे तो ये हमारा नीचे इसका साइज़ दे रखा है 4 फिट 11.5 इंचेस, है ना। मैंने यहाँ से एंड तक का इसका साइज़ देखा कितना है, 18 फिट हाफ इंच। और अगर मैं यहाँ एंड से चेक करता हूँ तो यहाँ से साइज़ है 31 फिट का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रेफरेंस लिया, टी एंटर टी लिखा, यहाँ से आता 31 फिट का साइज़ दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव पे लिखा एम, रेड एक्सेस के अलोंग इस एक्सेस पर क्लिक कर दिया। तो आप देखो सारे ही उसी में कन्वर्ट हो गए एक साथ, ये फ़ायदा रहेगा हमारा। अच्छा अब मुझे इसके ऊपर ग्लास भी तो देना है यहाँ पे। जैसे आप देखोगे इसमें यहाँ दिखा रखा है कैट फाइल में कि इसके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, देखिए ग्लास की रेलिंग लगी हुई है, उसके ऊपर हैंड रेल लगी हुई है। सो मैंने क्या किया, इसके अंदर गए, मैंने इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक नहीं किया, एंड मैंने यहाँ पे ग्लास का वो एलिमेंट देना है। तो ग्लास तो पूरे पे आएगा इस पे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इनर एज को सेलेक्ट किया, नहीं हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस लिया इधर से, 1.5 इंचेस इधर से, 1.5 इंचेस इधर से, वन पॉइंट फाइव इंचेस इधर से, और 1.5 इंचेस इधर से कर दिया हमने ये। मैंने इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, ये हाइड हो गया। अब मैंने आर लिखा, रेक्टेंगल कमांड, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाया हमने। इनको डबल क्लिक करके मैंने इनको भी एक कंपोनेंट में क्रिएट कर दिया। वापस से डबल क्लिक किया, इसको इरेज कर दिया, यहाँ से पुश पुल करके हाइट दे दिया हमने। कितनी हाइट है, मैं क्योंकि फ्लोर से बना रहा हूँ तो टोटल हाइट दे देता हूँ मैं। मैंने DLI एंटर किया, यहाँ से टॉप तक की इसकी हाइट देखो आप कितनी है, 3 फिट फ्लोर से, 3 फिट 5 5.5 इंच, है ना। सो मैंने इसको हाइट दे दी 3 फिट 5.5 इंच, 5.5 इंचेस, ठीक है, हाइट दे दी हमने। अब यहाँ से हमने अनहाइड ऑल किया, अनहाइड हो गया वो, ठीक। अब मैंने इसको मूव किया इधर की तरफ, वॉल की थिकनेस हमने कितनी ली हुई है यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 इंचेस की है। तो मैंने इसको 3 इंचेस पे इधर मूव कर दिया और 3 इंचेस पे इधर मूव कर दिया, क्योंकि मैंने 3 3 इंचेस मूव किया तो यहाँ से ये छोटा हो गया होगा। इसको डबल क्लिक किया यहाँ से, तो ये तो ठीक है, ये चीज़ सही आ रहा है। ओके मैंने वहाँ तक बना दिया था, ये ठीक है, यहाँ पे गैप आ गया होगा। इसको डबल क्लिक करके मैंने पुश पुल कर दिया। अब इसके ऊपर हमें हैंड रेल देनी है, तो हैंड रेल की थिकनेस यहाँ से हम देख सकते हैं 1.5 इंच की होगी। सॉरी। सो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने इसके टॉप सरफेस को क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने स्केप किया, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट इन प्लेस किया, सरफेस सेलेक्ट हो गया वो, राइट क्लिक करके मैंने इसको भी कंपोनेंट क्रिएट किया, क्रिएट
डबल क्लिक करके ओके किया, मैंने पुश पुल करके इसको हाइट दे दी 1.5 इंचेस की, ठीक है। एंड मैंने यहाँ से इसको आगे खींच लिया 1.5 इंच, इधर से भी और अंदर से भी हैंडल को थोड़ा सा थिक कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ तक कर दिया हमने। और आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो, इसको खींच के यहाँ तक ला सकते हो और इसको भी खींच के यहाँ तक ला सकते हो। बताइए क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ऐसी बालकनी के सेटअप हमें इधर भी देने पड़ेंगे, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। मैंने इनको कॉपी किया कंट्रोल सी, इसको भी और इधर भी तो देनी है ना बालकनी, इन सब को मैंने क्या कंट्रोल सी एस्केप किया। मैं इसके बालकनी के सेटअप पे गया, डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने पेस्ट इन प्लेस किया, वाई दबा के बाकी सब हटा दिया। अब मैंने इस सरफेस को सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट कर दिया 6 इंचेस, और वापस मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने इस एज के ऊपर ट्रिपल डबल क्लिक किया, तीनों सेलेक्ट हो गए, इसको ऑफसेट कर दिया 6 इंचेस और इसको कवर कर दिया हमने यहाँ से। एक मिनट, सो पहले हमने यहाँ पे ऑफसेट करके यहाँ से ये सेटअप कर लिया, मैं रिवर्स फेस कर दिया, इन सब को मैं पुश पुल कर देता हूँ सेम लेवल पे। मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ तक लिया, अगेन कंट्रोल दबा के यहाँ तक ले लिया, इसको कंट्रोल दबाया यहाँ तक का रखा, अगेन कंट्रोल दबा के यहाँ तक, अगेन कंट्रोल दबा के यहाँ तक रखा। अब 1.5, 1.5, 1.5, हम सब में एक ही जैसा पैटर्न देने का स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं ये फर्स्ट फ्लोर है, स्टिल्ट के ऊपर, ग्राउंड पर तो स्टिल्ट था ना खाली, उसमें तो खाली कॉलम खड़े कर दिए हमने, देखे हो आप, ये हमारा ग्राउंड था जो कि स्टिल्ट है, इसमें खाली कॉलम खड़े कर दिए हमने, बाकी कार वगैरह खड़ी रहेंगी और इसको छोड़ दिया। अब ऊपर के फ्लोर पे हमने यहाँ, ये हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरीके से अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, अभी एक बालकनी सेटअप करा यहाँ पर। अब ये क्योंकि मैं एक यूनिक कर दिया था तो बाकी में तो नहीं आया, इसको यूनिक कर दिया था हमने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक किया, मैंने शिफ्ट कंट्रोल या शिफ्ट दबाया, दूसरे के ऊपर ट्रिपल क्लिक किया और कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी से क्या हो गया कॉपी, एस्केप कर दिया, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने किया एडिट पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन प्लेस में नीचे पेस्ट हुआ होगा, मूव किया मैंने नीचे बॉटम पॉइंट्स उठाया अप की तरफ, इसके लेवल पर रख दिया। सबकी बालकनी तैयार हो गई एक बार में। अच्छा, अब ग्लास भी तो देने हैं सभी पे, तो जैसे बालकनी सेटअप करा था वैसे ही ग्लास का सेटअप भी करेंगे। तो ग्लास के ऊपर डबल क्लिक किया, ग्लास के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वाई दबा के पहले बाकी एलिमेंट्स को शो कर लिया। मैंने टेप टूल लिया यहाँ से, मैंने इसका सेंटर ले लिया पहले 3 इंचेस पे, ग्लास की थिकनेस हम 1.5 इंचेस का मैं ग्लास दे रहा हूँ, तो मैंने 0.75 इधर की तरफ और 0.75 दूसरी तरफ यहाँ रख दिया। सेम मैनर में यहाँ से सेंटर लिया पहले 3 पे और फिर 0.75 एक तरफ से और 0.75 दूसरी तरफ से कर दिया और इधर की तरफ भी यही किया। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या मैं एक और आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ, वो क्या है,
आपने पहले वाले सरफेस पे जाना है, इसके जो टॉप सरफेसेस हैं। अच्छा, आप इसमें देखोगे तो यहाँ का तो लेआउट ठीक है, ये इस लेवल पर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि मैंने नीचे अंदर वाले से कॉपी किया था ना, तो वो उससे टच होके आ रहा है, तो मैंने वाई दबाया। मैंने काम किया, पहले इस साइज़ को छोटा कर देता हूँ मैं, कितना छोटा करना है। वापस से वाई दबाया, रेफरेंस मैंने ले लिया, ये वाई दबाया। इनको डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। देन सरफेस सेलेक्ट किया मैंने, ये वाला और ये वाला दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी। अच्छा, एक काम और करना है इसमें, ये वाला सरफेस भी अंदर तक जा रहा है, मैंने इसको पुश पुल किया, साई वाई दबाया, अगेन वाई दबा के, ओके। ये कर लिया। अब ग्लास बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर सरफेस और इसके ऊपर सरफेस दोनों को कंट्रोल सी किया कॉपी, एस्केप किया। जो हमारी ग्लास प्रोफाइल थी उसको, उस वाले कंपोनेंट को मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे हम एडिट पे गए, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये चारों तरफ साइज़ का आ गया, ग्लास तो थी कम का रखना है हमने, कोई बात नहीं। पहले हमने इसको पुश कर दिया सेम हाइट तक, और इसको भी पुश कर दिया सेम हाइट तक, हो गए। अब मैंने वापस से इन दोनों सरफेस को अगेन सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लिया कॉपी। किस चीज़ के लिए कॉपी किया है वो भी आगे बताऊंगा। अब इनकी थिकनेसेस ग्लास की हमें कम रखनी है, तो हमने पुश पुल करके 1.5 इंच, 1.5 इंच, अभी भी 3 इंच रह गया, 0.75 इंच, अभी भी थिकनेस ज़्यादा है। डबल क्लिक किया, वापस से इधर से 1.5 इंच, 1.5 इंच कम कर दिया। इसका डिस्टेंस देखा कितना है, 6 है, तो मैंने इसको डायरेक्टली 3 इंचेस कम कर दिया, इधर से बाहर से 3 इंच कम कर देते हैं, सभी तरफ से सारे एलिमेंट्स को। और अंदर से 1.5 इंच ख़त्म कर देते हैं। अभी आप देखो ये कितना बचा, 3 इंच बच रहा है, अंदर से 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, हो गया ख़त्म। एस्केप कर दिया। हाँ जी, सो हमने इतना तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हैंड रेल बनानी है। आपको याद हो तो हैंड रेल के लिए मैंने इन सरफेसेस को कॉपी कर लिया था पहले, है ना। सो अब मैं क्या करूँगा, हैंड रेल वाले ब्लॉक पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ से किया पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन प्लेस हो गया। इसको हमने पुश पुल कर दिया हैंड रेल की हाइट तक। हैंड रेल तो हमें वाइड ही चाहिए, हैंड रेल भी तैयार हो गया। अब ये बड़ा आ रहा है कंपेयर टू दिस, तो इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसको पुश पुल करके कम किया, वाई दबाया यहाँ तक, अगेन वाई दबाया, और कौन सा, इसको डबल क्लिक किया, ठीक है। सो देखो क्लियर हो गया ये वाला। अच्छा, ये हमने पीछे नहीं घुमाई, 1.5 इंच जितनी इसमें मैंने हैंडल की थिकनेस 1.5 इंच रखी है, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, ये ग्रे वाली, ठीक है, उतनी रखी है हमने। अच्छा, अब जैसे हमने ये इसको घुमाया था गोल, हमें इधर भी तो घुमाना चाहिए था ना, यहाँ पे नहीं घुमाया, तो आप इसको भी यहाँ से बेंड कर सकते हो चाहो तो। आपको बेंड करना है तो आपको वही ऑप्शन देना करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ ऊपर तो नहीं आ रही, इसके साइजेस भी अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने इन तीनों को डिलीट कर दिया, वापस से बनाना पड़ेगा, है ना, उससे बेटर है डिलीट कर दो।
अब इन सरफेसेस को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से उठा के ऊपर रखा, X 3 कर दिया मैंने, तीन आ गए एक बार में। लेकिन फिर से वही क्या करना होगा, इस इन तीनों को सेलेक्ट करके मेक यूनिक किया, ठीक है वाई लिया हमने, यहाँ से हमने लिया साइज 31 फिट का। और इसको यहाँ पे हमने सेट कर दिया, डिलीट गाइड पे गए, गाइड डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा इसको आपको एडिट करना है, मैंने 1.5 पीछे खींचा इसको, पहले कंट्रोल दबा के 1.5 आगे लिया, ठीक है इसको डबल क्लिक किया, इसको पीछे लिया हमने 3 इंचेस, कंट्रोल दबा के 4.5 इंचेस बाहर लिया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, वाई दबा के बाकियों को उड़ा दिया। और इसको भी हमने इरेज कर दिया, ओके। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब मैंने कंपोनेंट्स क्यों बनाया, उसका मेन रीज़न ये है कि अब जैसे मुझे हर एक में स्लाइडर लगाने हैं, कर्टेंस लगाने हैं, भाई जब मैं फ्रंट का एलिवेशन देखूंगा, मैं अगर ऐसे ही रेंडर दूंगा, इसमें स्लाइडर डोर नहीं लगाए, कर्टेंस नहीं लगाए, तो ये बहुत बेकार सा एलिवेशन का रेंडर निकल के आएगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले इसको भी डिलीट कर दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप चाहो तो राइट क्लिक करके हाइड कर दो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब हम फ्रंट पे हमें क्या देना होगा, डोर्स वगैरह लगाने होंगे फ्रंट पे, तो उसके लिए आप वेयर हाउस पे जा सकते हो यहाँ से। एंट्री डोर सर्च किया मैंने, 1 सेकेंड। सो ये वाला डोर मैंने डाउनलोड कर लिया, इसके अलावा दो तीन और डाउनलोड कर लिए, अब उनको हम अरेंज करना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अरेंज करने से पहले मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इनको डबल क्लिक किया, यहाँ से पुश, वापस से डबल क्लिक किया, इसको पुश कर दिया मैंने अंदर 18 इंचेस, हाँ ठीक है 18 इंचेस अंदर पुश कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, इसको भी पुश कर दिया अंदर। अब यहाँ से फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, डाउनलोड्स पे गए, यहाँ पे हमने डोर्स डाउनलोड किए हुए, मैंने एक डोर टाइप को सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पे रखना हूँ, क्यू दबा के मैंने रोटेट करके इसको सेटअप कर दिया 90 डिग्री पे। यहाँ से इसका गैप चेक किया मैंने पहले, तो कितना गैप है भाई इसका, अब देखो 1 फिट 7.5 इंचेस के अप्रॉक्स है, हमने 18 इंचेस का गैप रखा था, लगभग लगभग मोर और लेस आ ही जाएगा। अब इसके फ्रंट का डिज़ाइन में कहाँ कहाँ डोर देना है वो आप यहाँ से देख सकते हो, एक ही आएगा, दूसरा डोर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है। सो मैंने इसको डबल क्लिक किया, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दिया हमने, वाई दबाया मैंने, इन दोनों इनको सेलेक्ट करके मूव किया यहाँ से ग्रीन एक्सेस के अलोंग, और इसको इस लेवल पर रख दिया। अब ये वाला जो गेट है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, मूव किया यहाँ से उठा के यहाँ रखा, और इसको स्केल कर दिया मैंने यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब इस पूरे के बीच में एक रेफरेंस आ रहा है डोर का, देखेंगे तो यहाँ पे 12 फिट 3 इंच पे, 17 फिट का पूरा एक गेट लग रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ से टेप टूल लिया,
और DLI से मैंने यहाँ से इसके एंड तक का डिस्टेंस चेक किया, 13 फिट 3 इंच। टेप टूल लिया, 13 फिट 3 इंच का रेफरेंस लिया, फिर इसको मूव किया और इसको इस लेवल पर रखा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, टेप टूल से इसका रेफरेंस लिया, इसके मिडल पर रखा, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने स्केल किया मिडल से इस लाइन तक। फिर इन दोनों को मिरर किया मैंने और ओके, यहाँ तक है, ये गलत लिख गया था मैंने, यहाँ तक का है। इसको सेलेक्ट किया, दोनों को स्केल किया मिडल से, यहाँ तक रखा और इन दोनों को मूव करा हमने यहाँ से ग्रीन एक्सिस के बाद, यहाँ रखा, अगेन मूव किया यहाँ से उठा के ग्रीन एक्सिस के अबाउट, यहाँ रखा और इसको भी ग्रीन एक्सिस के अबाउट यहाँ रखा, इन दोनों को स्केल कर दिया और इस तक अटैच कर दिया। ठीक है, तो फ्रंट का डोर अरेंज हो गया हमारा। हाँ, आपको लग रहा है कि जी ये वाला मुझे डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके लिए एक ऑप्शन और बता देता हूँ आपको। ये कॉलम तो हमने सही खड़े किए हुए हैं, है ना, उसका डिज़ाइन भी ठीक है। बीच के डोर का डिज़ाइन अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो, जो भी वाला डिज़ाइन अच्छा है। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको आप मूव करके यहाँ से यहाँ रख दो, पीछे वाले को डिलीट कर दो और इसको सेटअप कर लो आप लोग। इस तरीके से आप लोग अपना डोर डिज़ाइन कर सकते हो। बताइए, क्लियर है? तो फ्रंट का डोर डिज़ाइन हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे हमें कर्टेंस लगाने हैं जी। लेवल में ही है, हाँ लेवल में ही रखे, लेवल में होंगे। वैसे मैंने जो कैड फाइल थी उससे मैच किया है, ठीक है, वैसे मोर और लेस सेम लेवल पे ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इस पे नेक्स्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट वर्क क्या है भाई हमारा, जैसे ये है हमारे, इनमें स्लाइडर डोर लगेंगे हमारे, ठीक है, हाँ कर्टेंस लगेंगे, तो स्लाइडर डोर आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, स्केचअप लाइब्रेरी डोर्स पे गया मैं, मैंने पहले से कुछ डोर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, आप ये ले सकते हो या आप यहाँ से वेयर हाउस पे जा सकते हैं, स्केचअप वेयर हाउस, यहाँ पे आप होम पे जाओ, स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग डोर पे गए, यहाँ से आप सर्च कर लो किस टाइप का आपको चाहिए। मॉडल पे चले जाएंगे, मॉडल एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे। मैंने ये वाला डाउनलोड कर लिया, दिख रहा है आपको स्लाइडिंग डोर, ये वाला डोर डाउनलोड किया मैंने। ठीक, इसको मिनिमाइज़ किया, मैंने कंपोनेंट एडिट किया, वाई दबाया, बाकी सारे हाइड हो गए। अब इसके अंदर मैं इंपोर्ट पे गया, मैंने स्लाइडिंग डोर को इंपोर्ट किया और यहाँ पे रखा, इस पे डबल क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल करके
मैंने इस लेवल पे अरेंज कर देते हैं। पहले बाहर आए, डबल क्लिक किया, यहाँ से इसको मूव करके यहाँ रखा, स्केल पे गए, यहाँ रख दिया हमने। इसको कॉपी करके मैंने इधर रख दिया। देखो कंपोनेंट का फ़ायदा क्या हो रहा है, सब में लग रहे हैं। अच्छा, इसका मैंने एक कॉपी क्रिएट किया 90 डिग्री पे, इसको मूव किया मैंने यहाँ से यहाँ पे, स्केल किया, ठीक, ये आ गया हमारा। अब कर्टेंस लगाने, मैंने इसको डबल क्लिक किया वापस से। कर्टेंस लगाने के लिए मैंने अभी इन सब को राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। कर्टेंस डाउनलोड किए हुए मैंने, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, कर्टेंस हमने यहाँ से इंपोर्ट करे। और मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया इसको पहले, और फिर थोड़ा सा अंदर मूव कर देते हैं। मैंने इसके अंदर डबल क्लिक किया, वापस से डबल क्लिक किया, इन दो को उठा के दूसरी तरफ ले गया, वाई दबाया, ठीक है, दोनों तरफ कर्टन आ गया, बीच का हिस्सा खाली। अगेन डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से उठा के इधर रख दिया, ठीक है, वापस से डबल क्लिक किया, इसका एक और कॉपी किया, वाई दबा के हाइड कर दिया बाकी को, क्यू दबा के एक कॉपी क्रिएट किया, इसको मूव किया यहाँ से इसको मूव करके मैंने यहाँ रखा, इसको मूव करके मैं अंदर ले गया 11 इंचेस। इसको मैंने राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर दिया, मैं इस पर डबल क्लिक किया, मैंने इसको भी राइट क्लिक करके इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, दोनों तरफ वाले डिलीट हो रहे हैं, तो मैंने इनको राइट क्लिक करके यूनिक कर दिया, और मैं इधर से इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। इसको मूव करके मैंने इससे अटैच करके रख दिया, ठीक है। अब बाकी सारे भी जो हाइट थे उनको हम वापस से यहाँ से राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर देते हैं, तो हमारे डोर्स भी शो हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने एक काम किया, मैंने इसको ग्लास देना है, तो मैंने क्या किया, बकेट टूल का यूज़ करूँगा मैं। बी बकेट टूल के लिए हम यहाँ से बकेट लेते थे, आप चाहो तो उसकी शॉर्टकट की होती है बी, बी दबाया, बी में ऑल्ट दबाया मैंने, पिकर ऑन हो गया, मैंने इसके मटेरियल को पिक कर लिया, ट्रांसल्यूशन ग्लास। यहाँ पे मैं ग्लास के ऊपर गया और मैंने इस ट्रांसल्यूशन ग्लास को इसके ऊपर असाइन कर दिया मैं, ठीक है, हमने ग्लास असाइन कर दिया यहाँ पे। हमारे बिल्डिंग में आप देखोगे तो एक बार में ही सारे ग्लासेस असाइन हो गए। रेलिंग हमें जो अटैच करनी है हैंड रेल, उसका मटेरियल हम असाइन करना चाहें तो यहाँ से ये वाला मटेरियल ले सकते हैं, मैंने इसको पिक किया, ठीक है, यहाँ पे गए और इस पे भी मैंने बकेट टूल से अप्लाई कर दिया। आप देखो एक बार में हमारी रेलिंग और फ्रंट एलिवेशन बिल्डिंग का तैयार होने लगा। आया समझ में आता तक? जोया, क्लियर है आपको? अहमद? अच्छा, जैसे इधर की तरफ बाउंड्री दी है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ से भी इसका 6 इंचेस का लिया, इसको इस पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से सब जगह से हमने ऑफसेट लिया, यहाँ से 6 इंचेस, इसको भी 6 इंचेस किया,
और इरेज़ पे जाके मैंने ये इरेज़ कर दिया। सिक्स पे इनको इरेज़ कर दिया और लाइन से इनकी बाउंड्रीज को कवर कर दिया। यहाँ पे भी लाइन से इसकी बाउंड्री को कवर कर दिया। ठीक है, इसको डाउन कर दिया हमने इसके लेवल पे, इसको भी, और यहाँ से इसको खींच के यहाँ तक रख दिया, इसको डाउन किया यहाँ तक और इसको आगे तक ले गए हम। यहाँ से पीछे खींचा 6 इंचेस, कंट्रोल दबा के आके लिया और यहाँ से वाई दबा के सबको ऑफ किया और इस लेवल तक कर दिया हमने। अब आप इसको फ्रंट व्यू से देख सकते हो। तो आप देखोगे तो हमने अपने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, बेसिक जो एलिवेशन था वो तैयार कर लिया पूरा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जोया, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट इसमें और फर्दर एलिमेंट डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे, इंपोर्ट करना लगाएंगे, प्लांट्स वगैरह लगाएंगे। हाँ, अब इसमें मुझे फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे मेटल का कुछ फसाद दिया हुआ है इसके लिए। इस हाँ इसके लिए डिज़ाइन करने के लिए आप ग्रिल ले सकते हो। मैंने पहले से कुछ ग्रिल डाउनलोड की हुई हैं, मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेटल की ग्रिल्स मैंने कुछ डाउनलोड की हुई हैं। आपको फ्रंट फसाद में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आप उस ग्रिल से अपने डिज़ाइनिंग को एक्सकेवेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के डिज़ाइन हैं, आपको देख लो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे हाँ मेटल के हैं, मेटल के हैं और उसके वैसे भी हैं, बट मेटल के ही चलते हैं आजकल ज़्यादातर। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इम्पोर्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। अब ये बिल्कुल इससे पीछे से चिपक गया, मैंने इसको मूव करके आगे रख दिया। मैंने फर्स्ट यहाँ पे लगाया। ठीक, 1 मिनट, इसको मैंने फ्लिप कर दिया ताकि होल सेगमेंट ऊपर आ जाएगा, सॉलिड सेगमेंट नीचे आ जाएगा, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो एक के ऊपर एक खड़ा करके रख सकते हो, और या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको स्केल किया। बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे बेटर समझो आप उस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बस एक बेसिक बता रहा हूँ, मैंने इसको स्केल करके 2 पे ऐसे सेटअप कर दिया। अब मैंने इसको मूव किया, मैंने ये वाले कॉर्नर से पिक किया, कंट्रोल दबाया और मैंने इस कॉर्नर पर अटैच कर दिया। ठीक है, एक लेआउट इस साइड, एक लेआउट उस साइड, ऐसे अरेंज कर दिया हमने। ठीक है, सो आपके पास चॉइस है, आप जिस तरीके से आपको लगता है कौन सा व्यू ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, ये भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कन्वर्ट कर दिया और उसको करने के लिए मैंने सिंपल से फ्लिप अलोंग ब्लू किया। तो आप देखो शिफ्ट हो गया, नहीं हो गया वो इजीली। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने उसको एलिवेशंस को, आप कोई और डिज़ाइन चाहते हो तो उस तरीके से भी आप रख सकते हो। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मैंने इसको क्यू दबाया और मैंने यहाँ से इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव किया मैंने, यहाँ से मैंने इसको यहाँ रखा। सो अब देखोगे तो मैंने इसको एक बॉक्स शेप से कवर कर दिया इधर। तो हाँ वॉल आएगी आएगी वैसे तो कवर अप करने के लिए हमारा। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने रूम को, बिल्डिंग के फ्रंट को स्टार्टअप कर सकते हैं डिज़ाइन करना। ठीक है, हाँ आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस पे गया, थोड़ा सा इधर आ जाओ। इंटीरियर इंटीरियर का जी, और यहाँ पे हमने RTX मोड किया।
ठीक है, रेंडर इसको ऑन किया, लैंडस्केप मोड छोटा किया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, या मैंने इसको वाइड स्क्रीन ही कर दिया, और मैंने इसको 2 पॉइंट परस्पेक्टिव पे कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने यहाँ से स्क्रीन साइज़ का सेटअप कर दिया, सपोज़ 1200 mm, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक डिनोइज़र हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया, वॉल्यूमेट्रिक इफ़ेक्ट ऑन किया, एक्सटीरियर में हमेशा वॉल्यूमेट्रिक इफ़ेक्ट ऑन करेंगे, ग्लोबल इल्यूमिनेशन को भी ऑन रखेंगे। लाइट्स पे गया मैं, लाइट्स पे सनलाइट में ही रेंडर ले रहा हूँ मैं। साइज़ मल्टीप्लायर हाई कर दिया हमने, किधर शेडो पड़ेगी उसके लिए हमने व्यू पे आके शेडो को ऑन कर दिया, जिससे हमें ये पता चले कि सनलाइट किधर की तरफ से हमारी फॉल हो रही है। जैसे आप देख सकते हो, इधर की तरफ शेडो हमें देखने को मिलेगी। अब मैंने इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे ऑन किया, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू के तौर पे फ्रंट का एलिवेशन का डिज़ाइन हमें दिखाने लगा कि किस तरीके से दिखेगा। अभी आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, अंदर हमारा डार्क आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, ये कर्टन्स हैं उसके अंदर अंधेरा आ रहा है। इस अंधेरे को भी हम नेक्स्ट क्लास में रिमूव करना देखेंगे, जिसमें हम अंदर लाइट्स लगाएंगे सीलिंग पे, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। बताइए पहले, यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फ्रंट का एलिवेशन डिज़ाइन करना स्टार्टअप कर सकते हैं। क्लियर है जोया? ठीक है जी 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 किस चीज़ को ट्रिम करना है हमें? क्लीन अप नहीं, इरेज कमांड से ही ट्रिम भी होता है ना, जब इंटरसेक्शन होता है तो ट्रिम हो जाता है इसमें।